अब एक बात बताइए, कौन थोड़ा सा भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्यों आरएसएस को समझने में अपना समय बर्बाद करेगा? है क्या आरएसएस को समझने लायक? 100 साल का इतिहास उनका देख लीजिए तो एक खोखला इतिहास है जिसमें खोखली बातें की हैं, देश के विरोध में काम किया है, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया है। ऐसी संस्था जो अपने आप को रजिस्टर नहीं कराने की हिम्मत रखती, जो अपना मेंबरशिप रजिस्टर सार्वजनिक नहीं करती, जो अपने अकाउंट सार्वजनिक नहीं करती, उसको समझना या जानने में समय कोई अपना जाया नहीं करेगा, कम से कम हम तो नहीं करेंगे। हमें सिर्फ एक चिंता है कि ये देश और धर्म और संस्कृति के स्वयंभू ठेकेदार बनकर घूम रहे हैं। हमें अपने देश को, अपनी संस्कृति को और अपने धर्म को आरएसएस से बचाना है। रोजगारी के बारे में कहा कि चीन में बेरोजगारी नहीं है, तो आंकड़े तो सबके सामने हैं, क्या इन्हें आंकड़े नहीं दिखते? आंकड़ों से आपकी दुश्मनी क्या है भारतीय जनता पार्टी वालों की, कि जो आंकड़े सामने हैं? देश का विरोध तो तब होता है जब आप चीन को क्लीन चिट देते हैं, जब आप आंकड़े सामने रख के बात करते हैं कि साहब हमारे यहां बेरोजगारी 10 साल में बढ़ी है, तो क्या गलत है? आप बताइए क्यों बढ़ी है? आपका काम है, आप सरकार में है, 11वां साल है आपका सरकार में, आपने 10-11 साल नारों में और लफाजी में निकाल दिया, नौजवानों की जिंदगी तबाह कर दी, और उस पर हम चर्चा भी नहीं करें कि हमारे देश के नौजवान को तबाह कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये तो गलत होगा, हम तो चर्चा करेंगे। सर मणिपुर और सीधे तौर पे इस बीच मुख्यमंत्री ने 2 बार गवर्नर से मुलाकात करी है, उनकी सीधे तौर पे लोगों को रेमोरेंडम सबमिट किया है, रिक्वेस्ट करी है इस बात की कि जो स्पेशल ऑपरेशन जो चल रहे हैं, एग्रीमेंट जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट है, जो स्थिति मणिपुर की पिछले 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, 1.25 साल से जो मणिपुर की स्थिति चल रही है, एक तरह से जल रहा है मणिपुर, और देश का प्रधानमंत्री सिर्फ मणिपुर को चुनावों के वक्त याद करता है, उसके बाद वो भूल जाता है कि मणिपुर भी इस देश का हिस्सा है। ये बात हम सबको बड़ा परेशान करती है कि देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है कि वो मणिपुर जाए, वो पूरे पूरे विश्व का ठेका लिए घूम रहे हैं कि मैं वॉर खत्म करवा दूंगा, मैं ये फला करा दूंगा, ढिमका करा दूंगा, लेकिन मणिपुर नहीं जाऊंगा, मणिपुर में मेरी नहीं चल रही। आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जानबूझकर मणिपुर को नजरअंदाज कर रहे हैं? फिर आखिरी सवाल आपसे, आज से लगातार जो है वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां भी हैं, ताजा मामला ये है कि गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर से कहा है कि तुरंत कैबिनेट की मीटिंग बुलाएं, क्योंकि लोगों में बहुत भारी रोष है और इस मुद्दे के बारे में पूरे देश में महिला सुरक्षा को लेकर लोग आक्रोशित हैं, वो उत्तर प्रदेश हो, वो महाराष्ट्र हो, वो राजस्थान हो, वो और कोई इलाका हो देश का, सब जगह लोगों को ये चिंता है, दुख है, गुस्सा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है समाज में। इसको अगर राज्यपाल, एक राज्य का राज्यपाल भाजपा के इशारे पे आवाज उठाए, हम तो हैरान है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने क्यों नहीं आवाज उठाई, हम हैरान है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने क्यों नहीं आवाज उठाई बदलापुर को लेकर, या पुणे को लेकर, या कोल्हापुर को लेकर, या रत्नागिरी को लेकर।